तो अभी हम बैठे हैं वंदे भारत ट्रेन में। मैं आज आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में दिखाऊंगा कि आप वंदे भारत में पुणे से मुंबई तक कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अकुर्डी रेलवे स्टेशन, ताकि वहाँ से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए मुझे लोकल मिल जाए। ये बहुत ही सस्ता और एफिशिएंट तरीका है पुणे के किसी भी हिस्से से पुणे रेलवे स्टेशन तक जाने का। तो अकुर्डी स्टेशन आ गए हैं हम। अभी मैं टिकट बुक कर लेता हूँ। रेदर देन टेकिंग इट फ्रॉम विंडो, आप डायरेक्टली फ़ोन से बुक कर सकते हैं। UTS ये ऐप होना चाहिए आपके पास, और आप स्टेशन के बाहर रहेंगे तो ही बुक कर पाएंगे। अंदर रहेंगे तो पता नहीं है, थोड़ा वियर टाइप का एरर देता है। क्विक बुकिंग, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, नेक्स्ट लॉग इन करो, अपार्ट फ्रॉम अकुर्डी, मोस्टली अपने आप ले लेता है स्टेशन में पुणे। बुक, गेट फेयर, अभी देखो 5 रुपये में काम हो जाएगा। अगर मैं ओला से ज़्यादा तो कितना रुपये लगता। दैट्स इट, दिस इज़ द टिकट। वैसे ATVM मशीन्स भी रहती है, बट दिस इज़ मच मोर बेटर वे ऑफ डूइंग इट। देखो अगर मैं इससे जाता ओला से तो लगभग 403 रुपये लग जाते, और अभी 103 प्लस 5 108 रुपये में काम हो गया। ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ेगा और ट्रैफिक से भी बच जाऊँगा, तो ये मुझे काफ़ी एक एफिशिएंट वे लगता है ट्रैवल करने का। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर छुप गया था, अब दरवाजे के पास चलते, देखो खुलेगा अपने आप। नाइस, ओहो, सो दिस ट्रेन इज एम्प्टी, द होल कोच इज फॉर अस, सारा कोच खाली है। मज़ा आ जाएगा इस पर बैठ के ट्रैवल करने में। ओके, एंड ही स्लीपिंग, गुड, क्या करेगा, कोई है नहीं तो। मेरी सीट कौन सी पता नहीं, देखना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। बढ़िया है, ये तो अनाउंस भी करता है। नहीं कर रहे हैं, रुपया ट्रेन से अभी उतर जाएंगे, दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो अपने परिवार वालों को छोड़ने आते हैं वो उतरने के टाइम उनको हड़बड़ी होता है कि कब उतरे, बट इसमें अनाउंस होता है। दैट्स रियली रियली नाइस। बाय बाय पुणे, आई विल सी यू टुमारो। ट्रेन अभी ऑलरेडी चल चुकी है, ट्रेन की स्पीड अभी कम है बिकॉज हम स्टेशन के बिल्कुल करीब में हैं, पुणे से जस्ट निकली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। मैं लास्ट टाइम विस्टाडोम कोच में बैठा था तो इसके जो कोचेस हैं बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, पर यहाँ पर जो चेयर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पर 2 सीट थी पर यहाँ पर 3-3 सीट लगी हुई है, और अगर आप लकी रहे, आपने विंडो प्रेफरेंस डाला है, तो कभी हो सकता है कि आपको इस तरीके की जगह भी मिल जाए। तो मुझे जो सीट अभी मिली है वो वाली मिली है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है, बैग रखने की भी अच्छी खासी जगह है। बहुत ही सुंदर कोच है, स्पेशियस है, एसी वाला कोच है, टेबल भी है, इसे आप इस तरीके से, इसमें खाना भी रहता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं तो उसे आप यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। सीट इज़ रियली रियली कंफर्टेबल, बहुत अच्छी है। ये रिक्लाइन भी होती है आगे पीछे, यहाँ पर एक बटन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और एक रो में 3 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 3 सीट्स हैं। हर जगह पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, ट्रेन जब रुकने वाली रहती है, चलने वाली रहती है, तो वो जो ड्राइवर है ट्रेन के वो अनाउंस करते हैं। ये लाइट्स भी है, देखिए, इफ़ यू विल जस्ट टच इट इट विल टर्न ऑन, काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार जला के दिखाता हूँ, तो अगर रात में इफ़ यू वॉन्ट टू रीड बुक्स और समथिंग, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम नंबर वगैरह आता है, यहाँ पर TV लगी हुई है जिसमें सारी डिटेल्स दिखाती है। जैसे अभी देखो, इट इज़ शोइंग कि सोलापुर से CST जाएगी है। एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो कोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सस्पेंशन वगैरह इसका, सो इट रन्स वेरी स्मूथली। और यहाँ पर अंदर जो है AC का टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, क्योंकि कई सारे AC कोच में आप देखते हैं कि लोग कम ज़्यादा कर देते हैं, बट देखो मैंने जैकेट भी उतार दी अपनी, उसके बाद भी मुझे ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा। यहाँ पे अनाउंस भी करते रहता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, तो ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छी है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उसको हेल्प होगी, राइट। अभी ट्रेन स्पीड पकड़ रही है, देखिए जब ये ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी ना तो मैं आपको स्पीडोमीटर में दिखाऊंगा। आई एम जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप कि इसकी स्पीड कितनी है। कल्याण जंक्शन, तो पुणे से चलने के बाद ये डायरेक्टली कल्याण जंक्शन पे रुकती है, बहुत फास्ट भागेगी, मज़ा आ जाएगा यार। इसकी स्पीड देखिए, मतलब 100 तो मेंटेन करती है ये। अभी सिटी एरिया से निकल रही थी तो थोड़ा स्लो थी, पर
100 के ऊपर ही है, 110 के भी ऊपर जाती है। देखिए मतलब 100 तो एवरेज मेंटेन करती है ये। जस्ट लुक एट दिस किलोमीटर कितना स्पीड से बढ़ रहा है। आई थिंक कार से तो इतना तेज चलाना इम्पॉसिबल है। देखो पूरी समरी दिख जाएगी आपको, मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले ही चालू किया है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुकी है, 100 के ऊपर स्पीड है, परफेक्ट। ओके तो मैं शायद गलत कोच में बैठा हूँ। सी जो है, जो मेरा टिकट था वो आगे है, पर टीटी ने बोला कि आप खाली है बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ही खाली है यार, कोई भी नहीं है, एक पीछे बंदा सो रहा है, तो वहाँ जाके फिर मैं वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊँगा। आई एम सो लकी दैट आई गॉट चांस टू सिट हियर। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नीचे जो है फुल फ्लेज सॉकेट है, तो अगर आप अपना कैमरा वगैरह ला रहे हैं या फिर कुछ हैवी इक्विपमेंट भी चार्ज करना चाहते हो तो यू कैन ईजिली चार्ज। और जो पिन है फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल, आपकी जो पिन है भी यहाँ पर फिट हो जाएंगे। आई रियली लाइक डिट, अच्छी ट्रेन, अच्छा, बहुत अच्छा कोच बनाया, एंड आई होप टू सी मोर ऑफ देम इन फ्यूचर रनिंग ऑन द ट्रैक्स ऑफ आवर कंट्री। इसके ऊपर का जो सेक्शन है सामान रखने का, दैट इज़ ऑल्सो बिल्ड लाइक वॉट यू हैव इन फ्लाइट्स, उस तरीके का है, और अच्छा खासा सामान ऊपर आ सकता है। तो अभी मैं आपको यहाँ की वो जगह दिखाता हूँ जो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम सुसुपोटी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का टॉयलेट जिसमें लिखा है स्मोकिंग नहीं, फिर भी कई लोग बदतमीज़ लोग करेंगे। यहाँ पर देखो वैकेंट दिखता है, यहाँ पर इसको खोल के देखते हैं। ओके टांगने के लिए दिया हुआ है, कपड़ा टांगने के लिए, हेयर यू कैन पुट टॉवल, और यहाँ पर ये डिस्पेंसर भी है। आई एम ग्लैड कि ये वाला नल है, बिकॉज आई हेट द अदर वन जिसको दबा दबा के रखना पड़ता है। आई एम हैप्पी दैट, आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी दिस टैप। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, वो हैंड ड्रायर भी है, दिस इज़ अ न्यू एडिशन विच आई सॉ इन अ ट्रेन। यहाँ पर विंडो है और इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, स्क्वाट वाला। देर इज़ टिश्यू पेपर एज वेल, और फ्लश करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है। सो ओवरऑल दिस इज़ रियली नाइस टॉयलेट, क्लीन भी है, इट्स नॉट डर्टी। सोलापुर से ट्रेन चल के आ रही है, उसके बाद भी काफ़ी साफ सफाई है, रियली नाइस। अब आपको वो टॉयलेट दिखाता हूँ जहाँ पर सिंहासन वाली फील आती है। सो दिस इज़ अ वेस्टर्न स्टाइल और ये था इंडियन स्टाइल, अपनी मर्जी और मूड के हिसाब से आप पॉटी कर सकते हैं। तो ये रहा, सब कुछ सेम है, जस्ट दैट यहाँ पर जो है फ्लाइट के स्टाइल में वैक्यूम वाला जो है वो टॉयलेट दिया गया। सो देयर इज अ जेट एज वेल, टिश्यू पेपर, वेरी वेरी गुड ओवरऑल। ओके सो दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन GoPro, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है, एंड आई वांट टू गिव यू अ क्विक अपडेट एज वेल। सो दिस इज़ अ GoPro एंड दिस इज़ मी। आई होप वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको। सो द थिंग इज़ लाइक आई एम शूटिंग इट अलोन, और अभी ज़्यादातर वीडियो मैं अकेले ही शूट करूँगा। सो माई वाइफ ज़ेबा, शी विल बी एट होम एडिटिंग द वीडियोज़, क्योंकि दोनों जन अगर जाते हैं तो वीडियो की फ्रिक्वेंसी हम उतना पोस्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द रीज़न मैं अब अकेले ही शूट करूँगा। और क्या मेरे अकेले होने से मैं ज़्यादातर बाहर जा भी सकता हूँ, कई जगह रुक सकता हूँ, जहाँ पर एज अ वुमेन फॉर हर उतना सेफ नहीं रहता है। सो यू विल बी एबल टू सी मोर वीडियोज। सो दिस वॉज द क्विक अपडेट आई वॉन्टेड टू गिव यू। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मेरे साथ नहीं जाएगी, शी विल ऑल्सो कम अलॉन्ग, बट ओनली वेन वी हैव इनफ वीडियोज विच आर लाइव ऑन द चैनल टू बी पोस्टेड। और ये कलेक्टिव डिसीजन लिया है हमने, ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके नहीं जा रहा हूँ बाहर। एंड आई मे सर अभी यू नो थोड़ा सा बोर तो ही जाता हूँ, बट ठीक है, अभी कैमरे के बहाने आप लोग से बात करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। और ऐसा है ना कि देखो ब्लॉगिंग स्टाइल अगर मैं शूट करूँगा तो नेचुरल भी चीज़ें बहुत सारी आएंगी। क्या होता है कि जब कैमरा निकलता है बाहर और जब तक ओके रेडी कम ऑन 1 2 3 स्टार्ट, ऐसा जब सीन आता है ना तो जो एकदम रियल वाला जो होता है ना फीलिंग, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है, जैसी मेरी पर्सनैलिटी अभी भी 100% है वो निकल के आई नहीं है, आएगी तो आप लोग शायद मुझे ट्वीट दोगे, मैं इतना मस्ती करता हूँ, उल्टा सीधा बोलते रहता हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम, बट लेट्स ब्रिंग दैट कैरेक्टर, द माई ओरिजिनल कैरेक्टर ऑन द कैमरा, सो आप लोग भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो आई होप ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, आप मुझे बताना। और वैसे भी यार लोग फ़ोन पे देखते उतना पता तो चलता नहीं है, इंसान प्रेजेंट करने वाला बढ़िया रहना चाहिए यार, क्वालिटी थोड़ी मोड़ी इधर उधर तो चल जाती है। तो अगर आप पुणे और मुंबई के बीच में फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो आपको इस कोच में बारिश के सीज़न में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि देखो विस्टाडोम कोच है जो पुणे से मुंबई के बीच में चलता है, उसमें सामने इंजन रहता है, तो जो पूरा देखने का जो व्यू रहता है विंडो वाले एंड के में जो डिब्बा रहता है जिसे विस्टाडोम कहते हैं, उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने कवर किया था कि कैसा दिखता है। पर अगर आप
750-800 रुपये में इसमें बैठ के जाएंगे। तो एक तो ये ट्रेन फास्ट भी बहुत चलती है, मज़ा आ जाता है। दूसरा ये जो विंडो है बिल्कुल सेम साइज़ की जैसी भी स्टडोम कोच में मिलती है, तो आपको ना कम पैसे में उतना ही मज़ा मिल जाएगा और ये बहुत जल्दी पहुँचा भी देगी। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ रियली गुड डील इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय द व्यूज़ ड्यूरिंग द मानसून सीजन वैन यू ट्रैवल बिटवीन पुणे एंड मुंबई। ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए विस्टाडोम कोच का, ताकि आपको और अच्छी बेहतर तरीके से आइडिया लग जाए। 104 की स्पीड है अभी, बहुत तगड़ी स्पीड मेंटेन कर रही है यार, काफ़ी फास्ट चली है ट्रेन। मतलब देखो, हम चढ़े थे 9:20 के आसपास, ट्रेन छूटी थी, अभी 12 बजने को आया है। कल्याण से तो आगे निकल चुके हैं, अब यहाँ का नज़ारा भी चेंज हो गया। पहले जहाँ पर हरियाली घाट वगैरह दिख रहे थे, अब हरियाली कम और जो शहर है, जो इमारतें हैं कॉन्क्रीट की, वो ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। तो मेरे फ़ोन की बैटरी अब बहुत कम हो गई है, 26% हो गया। काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है मैंने, पर इसकी बैटरी लाइफ ना बहुत ख़राब है। अब इसे चार्ज करते हैं। सो दिस इज़ द चार्जर विच आई एम गोइंग टू प्लग हेयर। अब इसे यहाँ नीचे लगाएंगे। ओके, सो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है और सुपर फास्ट चार्जिंग भी लिख के आ रहा है, तो ये तो बढ़िया है, फुल हो जाएगा, ये अच्छा है। नाइस। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं और ये जो मैंने शूट किया है इसका रील हम एडिट कर लेते हैं। यार ऐसा लग रहा है पूरे ट्रेन ही बुक कर लिया मैंने। हाँ, आई बुक द होल ट्रेन टू माई सेल्फ। तो अभी कल्याण जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, ये लास्ट सेकेंड स्टॉप है। इसके बाद अब दूसरा स्टॉप जो आएगा वो CST है, फिर CST से उतर के हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आई थिंक ये अभी तक की मेरी सबसे अमेजिंग जर्नी थी ट्रेन की, कोई था ही नहीं पूरे डब्बे में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एकदम AC था इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगी। अब हम CST पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा मोहम्मद अली रोड, जहाँ पर मैंने होटल बुक किया है। और वहाँ का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाया था मोहम्मद अली रोड का, वो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लगभग 12:45 पर मैं CST पहुँच गया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। I will see you soon in the next video. Take care. God bless you all. Bye-bye.